राजस्थान के बेरोजगारों ने कांग्रेस सरकार को चाहिए 2018 लोकसभा चुनाव की बात हो, उस समय भी जो तीन जगह उपचुनाव हुए तो बेरोजगारों ने फुल समर्थन दिया था और घर घर जाकर प्रचार किया था। फिर विधानसभा चुनाव के समय माननीय राहुल गांधी जी से मिलके और प्रदेश कार्यालय में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन जी खेड़ा और जो उत्तर प्रदेश के जो नेता है राष्ट्रीय नेता प्रमोद जी तिवारी और इसके अलावा जो राघवेंद्र जी प्रवेश प्रवक्ता जी, तमाम लोगों के साथ बैठकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और घर घर जाकर प्रचार किया और जिसका पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव से लेकर चुनाव मिला और सत्ता में सरकार आई, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा योगदान राजस्थान की युवा बेरोजगारों का था। जहां जहां संकट में कांग्रेस आई वहां वहां बेरोजगारों के साथ थे। जब ये रीट शिक्षक भर्ती के एक विवाद हुआ कि कांग्रेस पार्टी उनके बेरोजगारों को नौकरी को रोकना चाहती है, जब विपक्ष पार्टी ने हमला बोला, जब पूरी पार्टी एक संकट में आ गई थी, तभी भी बेरोजगारों ने साथ दिया था, नहीं हम आपके साथ है। तब उन्होंने वादा किया था कि वो प्राथमिकता के साथ राजस्थान के बेरोजगारों की मांगों को पूरा करेंगे, उनकी पीड़ाओं को सुनेंगे। 8 माह बीत जाने के बाद लगातार हम कोशिश कर रहे हैं हर एमएलए मंत्री और अधिकारी से मिलने की, लेकिन मंत्रियों की इतनी बड़ी तानाशाही है कि 3 बार माननीय शिक्षा मंत्री ने दरवाजे बंद कर दिए। एक बार तो बेरोजगार के पीछे गुस्सा करते मारने के लिए दौड़े। ऐसी स्थिति है कि आज बेरोजगार मंत्रियों के पास जाने से डरने लगे, कतराने लगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अधिकारी सुन नहीं रहे, ज्ञापन लेके खड़े रहते हैं, कचरे में डाल दिया जाता है। तो तानाशाही इतनी अत्यधिक होगी, हमने परेशान होकर हमने जयपुर में एक बड़ा एक आंदोलन का ऐलान किया। इकट्ठे हुए प्रदेश के युवा बेरोजगार और सरकार से निवेदन किया, प्रार्थना की, चेतावनी 8 दिन की दी है कि 8 दिन का भी समय है जो मंत्री और अधिकारी जो तानाशाही कर रहे हैं, जो बेरोजगारों की मांगों को नहीं मान रहे हैं, यदि आपने 8 दिन में कांग्रेस सरकार ने नहीं सुनी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि 8 दिन का समय है, हमें बुलाइए, हमारी पीड़ा को सुनिए, हमारी मांगों को सुनिए। कुछ मांगे तो ऐसी है जो बिना बजट की है, उसमें बजट की आवश्यकता नहीं है। बाहरी राज्य का कोटा कम करने की मांग हो, बेरोजगार बोर्ड जो युवा बोर्ड बेरोजगारों को देने की मांग हो, और जो बेरोजगार को दर्ज मुक्त में वापस करने की मांग हो, भर्तियों का कैलेंडर पहले जारी करने की मांग हो, और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग हो, तमाम ऐसी कई मांगे हैं जो बेरोजगारों को बिना पैसे खर्च के बेरोजगारों के ऊपर वो पूरी हो सकती है। क्योंकि बाहर राज्य का कोटा कम करो तो राजस्थान वालों को फायदा होगा, क्योंकि वोट राजस्थान के युवा देता है, सत्ता में हम लेके आते हैं, जबकि बाहरी राज्य वालों को राजस्थान में इतने लोगों को लिया जाता है कि 50% सामान्य श्रेणी में वो कितने लिया जाता है, जबकि 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को 0% लिया जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा है कल के अधिकारी करते हैं, उसकी सजा बेरोजगारों को मिलती है। तो तमाम 14 सूत्रीय मांगे हैं, उनको लेकर हम इकट्ठे होते हैं। शिक्षा विभाग हो, चाहे इंजीनियरिंग के छात्र हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, तमाम विभाग के अभ्यर्थी इकट्ठे हुए थे कि लंबित भर्तियां जो 1 लाख लंबित भर्तियां वो पूरी हो, जिनका परीक्षा परिणाम जारी हो गया है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया हो, और जिनका परिणाम जारी नहीं हुआ उनका परिणाम जारी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, तमाम भर्तियां हैं जिनका परिणाम जारी होना है, और जो भर्तियां जिनकी परीक्षा तिथि जारी थी उनकी परीक्षा तिथि जारी हो, जो तमाम मांगों को लेकर इकट्ठे हो कि लंबित भर्तियां पूरी हो, और जो नई विभाग जो 75,000 बजट में घोषणा की थी उन सभी की विज्ञप्तियां जारी हो, जो अलग अलग विभाग है, चाहे आप टेक्निकल विभाग मान लीजिए, चाहे चिकित्सा शिक्षा, जो तमाम विभाग है उन तमाम विभागों ने घोषणा की थी उनकी विज्ञप्तियां सरकार जल्द से जल्द जारी करे, चाहे राजस्थान पुलिस भर्ती का मामला हो, चाहे पटवारी हो, चाहे टेक्निक विभाग के साथ साथ आप शिक्षक रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा हो, तमाम भर्तियों का विज्ञापन सरकार जल्द से जल्द जारी करे। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, वो बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को दिया जाए, क्योंकि घोषणा पत्र में डाला था और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा वादा था वो आज अधूरा है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए। तमाम मांगों के लिए हम लगातार संघर्ष करते, लेकिन जब हमें जब अधिकारी और मंत्रियों के द्वारा हम लोगों की बेइज्जती की गई, एक तरह से धक्का मारा गया, राजस्थान के बेरोजगारों में आक्रोश छाया, और आक्रोश इतना है कि इस आक्रोश में आने वाले चुनाव नगर निकाय चुनाव हो चाहे उपचुनाव में इनको बड़ा नुकसान हो सकता है, पूरे राजस्थान में सूपड़ा साफ हो सकता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री सरकार के पास समय 8 दिन का हमने समय दिया है, यदि मांगे नहीं मानी तो 9 अक्टूबर को हम दिल्ली कूच करेंगे, उसके बाद 14, 15, 16 हम करेंगे मंडावा और 17, 18, 19 खींसर में हम सरकार के खिलाफ घर घर जाकर प्रचार करेंगे। इसके अलावा
4 नवंबर को हम पूरे राजस्थान में यात्रा निकालेंगे, तहसील स्तर की यात्रा निकालेंगे, और कांग्रेस सरकार की जो अधिकारी मंत्री तानाशाही कर रहे हैं और जो हमारे साथ धोखा हुआ, क्योंकि हमने समर्थन दिया था कि बेरोजगार को न्याय मिले और बेरोजगारों के सपने पूरे हों, जिस प्रकार कांग्रेस ने नारा दिया था अब होगा न्याय, लेकिन आज बेरोजगार पूछ रहा है कि कब होगा न्याय। तो तमाम मांगों को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार हमारे साथ जो मंत्री और अधिकारी तानाशाही कर रहे उसे आहत होकर हमने निर्णय लिया कि जो हम हालांकि सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते, अभी भी समय है, 8 दिन का समय, हमें बुलाए, हमारी मांगों को सुने, हमारी पीड़ाओं को सुने, तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल सकता है, हम फिर से सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं, अन्यथा हम लोग घर घर भी जाएंगे, खिलाफ प्रचार भी करेंगे और राजस्थान में सूखा साफ करने का भी काम करेंगे, जिससे सरकार को पता चले कि जो आपके मंत्री और अधिकारी पूरी सरकार को डुबाने का काम कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार से निवेदन है, अभी भी समय है कि अपने मंत्री अधिकारियों पर लगाम लगाएं, बेरोजगारों की मांगों को सुने, जिससे आपकी सरकार बच सकती है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि युवाओं की आवश्यकता, जिन युवाओं ने कांग्रेस को मजबूत किया उन युवाओं को आपके नेता, आपके मंत्री और आपके अधिकारी कमजोर करने में लगे, उनके सपने तोड़ने में लगे। अभी भी समय है कि आप हमारी मांगे माने, हमारा साथ लोगे तो आप मजबूत होगे, अन्यथा युवा जिस प्रकार पिछली सरकार को चेतावनी देकर उनका छुपरा साफ किया था, वैसे ही आपका छुपरा साफ करेंगे। मुझे आशा है कि आप हमारी मांगों पर गौर करेंगे, जल्दी हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाएंगे और हमारी मांगों को पूर्ण करते बेरोजगारों को न्याय प्रदान करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।